नमस्ते, मैं सुमित मोहंती। मैं CMRIT में ट्रिपल ई डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 3 साल से काम कर रहा हूँ। 2017 में मैंने ज्वाइन किया हुआ था। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा CMRIT के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कुछ। CMRIT अराउंड 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2000 में स्टार्ट हुआ था और उस टाइम सिर्फ UG प्रोग्राम्स के साथ स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे PG प्रोग्राम्स, मास्टर्स और PhD भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ का जो लैब है, जो फैकल्टीज़ की स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ता गया। और आज के डेट में CMRIT बैंगलोर के कुछ टॉप कॉलेजेस में आता है। तो यहाँ पे एज ए फैकल्टी मैं आपसे कुछ शेयर कर सकता हूँ जो कि रिलेटेड टू स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई है, उनका प्लेसमेंट है, इन सब के बारे में कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ हम CMRIT में बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट चेक करते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करे या सिर्फ प्रैक्टिकल्स करे, बच्चे का एक ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ हम एकेडमिक्स में भी डेवलपमेंट के लिए ध्यान देते हैं। यहाँ हम एकेडमिक्स से हटकर जो भी चीज़ें होता है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए भी हम ध्यान देते हैं। जैसे कि एकेडमिक्स में हम लोग हमेशा ये केयर करते हैं कि अच्छा बच्चा भी डेवलप करे, ग्रो करे, और जो थोड़ा सा समझने में जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा हो वो बच्चा भी डेवलप कर पाए अच्छे से, उन लोगों को हम नाम देते हैं एज ए स्लो लर्नर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि चॉक एंड टॉक जो होता है, जिसमें हम लोग चॉक या बोर्ड के साथ हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन यूज़ करना हुआ, वीडियोज़ यूज़ करना हुआ, रोल प्ले या पब्लिक क्लासरूम हुआ, केस स्टडी मेथड हुआ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। उसके अलावा हर सेमेस्टर में बच्चों के लिए मिनी प्रोजेक्ट होता है जो कि बच्चों को डिज़ाइन करना होता है, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। फाइनल ईयर तक आते आते उस बच्चे का जो प्रोजेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग होता है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हम लोग का फाइनल में मेजर प्रोजेक्ट भी होता है जो कि कंपलसरी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके लिए हम बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रिपेयर कराते हैं ताकि उसका नर्वसनेस भी हट जाता है, उसका वाइवा के लिए डर भी हट जाता है, उसका इंटरव्यू के लिए डर भी हट जाता है और उसका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होकर आता है। और फिर जो स्लो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैंने कहा जिनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रहता है, नोट्स उन लोगों के लिए सेपरेट रहता है, हम लोग उनके क्लासेस आवर्स के अलावा हम लोग अवेलेबल रहते हैं उनके लिए, तो ताकि जब भी चाहे वो आके समझ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उन लोगों के लिए, जब चाहे वो अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा धीमा समझ में आता है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा सिर्फ ये हो गया आपका रिलेटेड टू करिकुलम या एकेडमिक्स। फिर प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ लगभग यहाँ बैंगलोर के जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, नेशनल लेवल के हो, मल्टीनेशनल लेवल के हो, सारे आते हैं लगभग प्लेसमेंट्स के लिए। तो उन कंपनीज में हमारे बच्चे प्लेस होते हैं और उनके लिए जो भी रेगुलर जो एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, जैसे कि आपके प्रोग्रामिंग क्लासेस चाहिए या आपके कोर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स चाहिए एक्स्ट्रा अलग से जो कि सिलेबस के अलग है, उन लोगों के लिए भी हम लोग क्लास लेते हैं। तो ये प्लेसमेंट्स और कंपनीज में प्लेसमेंट हमारा पैकेज भी बहुत अच्छा ही जाता है। आप कभी विजिट करें तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो जिनका प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, कितने पैकेज में हुआ है, वो भी डिटेल्स आप लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी के कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ भी एक्सपर्टाइज है, जैसे कि सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, उसको भी हम अच्छे से प्रमोट करते हैं। एक हफ्ते में 2 दिन ऐसा रहता है जहाँ पे कि वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। एक दिन में आपका प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरे दिन आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ, मान लीजिए सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो डिटेल्स बाकी आप जो भी चाहें, चाहे हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, चाहे कॉलेज में भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।